पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने आज प्रकाश नगर लाइन पार्क में जनसंपर्क किया और लोगों से मुलाकात करके अपने समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल ने सर्वप्रथम प्रकाश नगर लाइन पार्क सीट से प्रत्याशी राजेश गुप्ता के चुनाव कार्यालय का फीता काट कर शुभारम्भ किया और नए कार्यालय की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों ही क्षेत्र में जनता से मिले और बातचीत की। सभी ने फूल मालाएं पहनाकर महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल और पार्षद प्रत्याशी राजेश गुप्ता का स्वागत किया। इस अवसर पर विनोद अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जनहित की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है और विभिन्न योजनाएं चलाई जो जनता के हित में है और जनता ने उनका लाभ लिया है। चुनाव प्रचार जोरों पे है और हमारे भाजपा के जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं उनके सबके कार्यालयों का शुभारंभ हो रहा है तेजी से। अब तक जो है 55 कार्यालयों में से 45 का उद्घाटन हो चुका है और सब हमारे जो पार्षद प्रत्याशी हैं आज हम अब इस समय वार्ड 28 लाइन पार प्रकाश नगर में अपने कार्यकारिणी के पूर्व उपाध्यक्ष भाई राजेश गुप्ता जी के कार्यालय का उद्घाटन करने यहाँ पर हम आए हैं। कैसा जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार कैसा रुझान है? जनता के अंदर एक उत्साह है, जोश है और वो कह रहे हैं कि जो विकास की गंगा है, ट्रिपल इंजन की सरकार भागीरथी से शंकर जी और शंकर से हरिद्वार, समझ में आ रही है ना, तो ये गंगा विरल बह रही है। तो ये निचले पड़ाव पे गंगा आ चुकी है। क्या लगता है आप इसे कितने वोटों से आप जीतेंगे? ये तो आप सब और जनता का प्यार बताएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।